तो साक्षी ने अभी पिक्चर सेंड की, मैं एडिटिंग कर रही थी उससे पहले, उसकी फ्रेशर्स पार्टी हुई थी तो उसने अपनी नई पिक्चर सेंड की, तो एडिटिंग करने से पहले उसने सेंड कर दी, तो मेरे को लगा कि अपने व्लॉग में ये भी डाल देनी चाहिए, मतलब आपको बताने के लिए कि साक्षी ने कैसे फर्स्ट टाइम साड़ी पहनी और सेलिब्रेट किया। तो उसके कुछ पिक्चर्स मैं अपनी इस व्लॉग से में स्टार्ट करने से पहले डाल रही हूँ। आई होप कि आपको वो पिक्चर्स अच्छी लगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज का हमारा नया व्लॉग। और आज डे है थर्सडे, नहीं ट्यूसडे, ट्यूसडे है आज। और ह्यू की तबीयत अभी काफ़ी सही है, मगर उसको स्कूल नहीं भेजेंगे, जैसे कि कल के मैंने वीडियो बनाया था, उसको स्कूल नहीं भेजेंगे। और मैंने बैच लेना स्टार्ट कर दिया है, एक बैच मैंने स्टार्ट किया है अभी, और 2:30 वाला जिस बच्चे को भी आया है वो उसी बैच में। इसके अलावा मैं कोई अभी बैच नहीं ले रही हूँ, बिकॉज हाफ एडीज़ है ना, तो हाफ एडीज़ में बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। जिन पेरेंट्स को कोई इशू नहीं है, बच्चे छोटे हैं उन्हें भेजना चाहते हैं तो वो भेज सकते हैं। और ये वाली बात है, देखो राधा कृष्णा, मैं आपको ऐसे बताऊँगी, ढंग से बताऊँगी, तो इस तरीके से। तो मैंने वहाँ हॉस्पिटल में ये बनाए थे और कलरिंग भी कल स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। मैं एक बार ढंग से बताती हूँ आपको, और ढंग से बताते कि व्लॉग की शुरुआत भी कर ही देंगे। और राधा कृष्ण बनाने के बाद थोड़े से मैं करूँगी श्रीनाथ जी, थोड़ा थोड़ा सा मूड फ्रेश करूँगी, जब इससे बोर हो जाऊँगी तो श्रीनाथ जी करूँगी, श्रीनाथ जी के बाद थोड़ा सा वापस से क्ले का काम करूँगी। तो देखते हैं हम कितना क्या कर पाते हैं, और ब्लॉग की शुरुआत भी यहीं करते हैं, इससे करते हैं। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे, अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। ओके ये तो आजकल हम लगाते हैं करते चश्मा काम, क्योंकि एज हो चुकी है, अगेन हम बता रहे हैं 40+, तो अब हमारी आंखें थोड़ा हमारा साथ कम देती हैं, मतलब ब्लर दिखाई देता है, तो इसलिए मैं हमेशा चश्मा लगा के रखती हूँ। चश्मा नहीं, हमेशा नहीं, जब मैं कुछ बारीक काम करती हूँ तो मैं चश्मा लगाती हूँ। तो लगा लेते हैं हमारा चश्मा, और सेटअप कैसे तैयार किया आपको बता देते हैं। तो ये देखो यार, ये बिखेरे मत करना यार। तो ये देखो, कल हॉस्पिटल में तो हमने यहाँ तक का कलर कर लिया था, और कलर मैंने किए थे डोम्स वाले, जो नॉर्मल कलर होते हैं, बिकॉज वहाँ ये बॉटल्स वगैरह ये सारे डिब्बे ले जा नहीं सकते ना, इसीलिए। तो ये ले गए थे, और इसी में से हमने सारे शेड्स किए थे डोम्स के कलर, ठीक है। अब हम करेंगे ड्राइंग। सोची यही कलर कर लूँ क्या यार, क्या दिक्कत है? इस कलर को करने में भी क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? अब दिक्कत तो कोई ना लग रही है, तो करते हैं इसी का ब्लू कलर। मैंने ये वाला ब्लू कलर यूज़ में लिया था, देखो ये कौन सा यूज़ में लिया था यार, ये वाला। हाँ तू आ जा पहले वीडियो में, आ जा, ये कलर मजे आते हैं। तो ये कलर हम यहाँ करे थे, ये देखो आपको इस तरह से दिख रहा होगा, कैसे कर रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ। और देखो थोड़ा सा कुछ सजा के बैठे हैं ऐसे, थोड़ा अच्छा लगता है। ये मैंने क्ले से बनाया था, ये 3 ब्रश इसमें अब लगेंगे, इसमें बड़ा ब्रश अब कोई नहीं लगेगा, तो 3 ब्रश इसमें लगेंगे, तो ब्रश भी हम लेके बैठ गए हैं। और थोड़ी सी इधर एक अच्छा लगता है, कभी कभी वीडियोज़ में देखते हैं तो वो अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ा सा एक फ्लावर जैसा भी कुछ रख लिया है। और 3 ब्रश ले लिए हैं, पानी का कंटेनर हमारा ये रहा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा काम। तो देखो थोड़ा सा ये ब्लू कलर ले लिया है, बहुत ही कम लिया है, और करना क्या है इसके साइड साइड में करना है, जैसे यहाँ किया है ना मैंने, वैसे ही करना है। मैं आपको करके बता देती हूँ एक बार, थोड़ा सा इसके ब्रिसल देखो ये साइड से निकल रहे हैं, ये वाले, ये वैसे दिक्कत देते हैं, मगर अभी जो मैं काम कर रही हूँ उसमें कोई इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, और जब आप बारीक काम या कुछ ऐसा करेंगे तब होगी थोड़ी सी दिक्कत। तो सबसे पहले हम बस इस वाले पार्ट को हाईलाइट करने के लिए हल्का सा इस तरह से इसको ऐसे कर लेते हैं। और वीडियोस बनाते समय पता है मुझे एक माइनस पॉइंट ये लगता है कि फ्री हो के मतलब ड्राइंग नहीं कर पाते हैं हम, जैसे नॉर्मल में हम करते हैं ना उस तरीके से, हम फ्री एक प्रेशर रहता है कि वीडियो में सही है दिखे, और वीडियो में सही दिखे, और ड्राइंग में आप अपना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते इतने अच्छे से, इसीलिए मुझे ना ड्राइंग करते समय वीडियोज़ बनाना थोड़ा सा वैसा ही लगता है, बिकॉज हम अपना 100% इसमें नहीं देते, हमारा ये मान लो कि 50-50% हो जाता है, 50% हम वीडियो में ध्यान देते हैं और 50% हम ड्राइंग में। अगर हम अरे यार कलर चेंज हुआ है क्या, नहीं सही है, हाँ अगर हम पहले मैं वीडियोस वगैरह नहीं बनाती थी ना, ये तो मैंने लॉकडाउन से स्टार्ट किया बनाना, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और लॉकडाउन जब ख़त्म होने वाला था तब से मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है। और चैनल तो हमारे बच्चों ने 2014 में ही बना दिया था, और फिर उसी चैनल पे हमने अपनी वीडियोस डालना शुरू कर दी। तो इस तरीके से हमारा ये यूट्यूब चैनल, यूट्यूब की हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, शुरू हुई हाँ। तो इस तरीके से मेरे को सब पे करना है, यहाँ 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 सब तरफ। तो
तो इस तरीके से देखो, ये हमने इनका थोड़ा सा शेडो वाला पार्ट बना दिया, थोड़ा सा डार्क दिया शेडो दिखाने के लिए, ठीक है। अब इस कॉपी में अभी सडन हुआ क्या, मैं देख रही हूँ कि इसमें जितने भी बनाए हमने, तीन चीज़ें बनाई है, वो सारी की सारी राधा कृष्ण ही बनी है और बिना ऐसे कोई प्लान के बनी है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें एक मैंने पहले बनाई थी वो भी राधा कृष्ण बनी थी, ये जो मैंने हमने पहले बनाई थी ये भी इसमें राधा कृष्ण बनी, इसके बाद अभी हम बना रहे हैं वो भी राधा कृष्ण बन गए, और साक्षी ने जो बनाए हैं इक्की वाले ये भी राधा कृष्ण बन गए, मतलब ऑल ओवर सारे के सारे बन रहे हैं, इसमें राधा कृष्ण ही राधा कृष्ण बन रहे हैं, अपने आप से ही बनते जा रहे हैं यार, मतलब अपने आप से तो नहीं बना तो हम रहे मगर ऐसा कोई प्लान सेट नहीं है, फिर भी हॉस्पिटल में ये भी राधा कृष्ण बन गए, मतलब ऐसा लग रहा है पूरी कॉपी राधा कृष्ण से ही भर जाएगी शायद। तो अब क्या करें, अब कुछ काम करके, दूसरा कुछ काम करके क्या करूं समझ नहीं आ रहा है, सोच रही हूँ सिर्फ बैकग्राउंड ही पूरा करूं, तो अब यहाँ ग्रास का काम करती हूँ थोड़ा बहुत, क्यों बिकॉज ये बैकग्राउंड पूरा हो चुका है, यहाँ कुछ करते हैं। अब हमने क्या किया है, ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर का मैंने शेड लिया और वापस इसको जैसे ये पैरों के नीचे शेड वगैरह आता है ना, शेड के शेडो आती है ना, उस अकॉर्डिंग इसको ऐसे फैला देंगे ये इस तरीके से, जैसे आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। बस मैंने एक बार कलर लेती हूँ और सेकंड बार उसी ब्रश को पानी में डिप करके थोड़ा बहुत स्प्रेड करना होता है इस तरीके से। अरे ऊपर भी चला गया, इस तरीके से थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं यार, थोड़ा कम लग रहा है तो अगेन थोड़ा सा कलर लेके हल्का फुल्का और डार्क कर देते हैं, मगर यहाँ क्या केयरफुली करना पड़ेगा काम, बिकॉज क्या पैर है, फिर पैरों के अंदर चला जाएगा तो दिक्कत हो रही है। आपको वीडियो में ये शायद बड़ा दिखाई दे रहा होगा मगर ये छोटा A4 साइज़ की, A4 साइज़ से भी कम छोटी शीट है ये, और A4 साइज़ कितना होता है मैं आपको बता देती हूँ, जैसे अपना प्रिंटर का पेपर होता है ना वो A4 साइज़ कहलाता है, ये उससे भी छोटा है। तो फिर होगा क्या, ये मतलब हाथ, ये इनके जो पैर वगैरह में चला जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने कर दिया है, तो यहाँ नीचे ब्राउन कलर करने के बाद मैंने सोचा ब्राउन कलर से, डार्क ब्राउन कलर से ये ट्रंक भी बना दूँ। और यहाँ मैं एक बात बता दे रही हूँ कि ये कोई से मैंने बहुत नॉर्मल कलर यूज़ में लिए हैं, ऐसे कोई जैसे सब बोलते कि कौन से, जैसे बच्चे वगैरह आते हैं या पेंटिंग सीखने के लिए बड़े बच्चे वगैरह आते हैं, कौन से कलर लाएं मैम, कौन सा कलर, अरे कोई भी कलर ले आओ, बस आपको ड्राइंग करने का मतलब आनी चाहिए, हाँ ड्राइंग आनी चाहिए, किसी भी काम को करने की लगन होनी चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी मतलब कैसे भी कलर वगैरह यूज़ में ले लो या कुछ भी ले लो, मगर एटलीस्ट एक बार जब सीखने के लिए तो नॉर्मल कलर या कुछ भी चलते हैं, उसके लिए कुछ ना ज़्यादा कॉस्टली कलर्स, क्योंकि आप ड्राइंग का मटेरियल देखने बैठेंगे तो इतना महंगा महंगा आता है आजकल जिसकी कोई हद नहीं है। लगन कोई दुकान पे नहीं मिलती बेटा, हमारी ये बोल रही है मम्मा लगन कौन सी दुकान पे मिल रही है, और इसी अकॉर्डिंग मैं पतली ब्रांच भी कर दे रही हूँ साथ के साथ, सबको पता चले कि मैं कैसे कर रही हूँ, फिर मैं ये बाकी का कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको बंद कर दूंगी, क्योंकि मुझे वो मैं सोच रही हूँ पहला आज कृष्ण श्रीनाथ जी को भी मैं थोड़ा बहुत काम करके थोड़ा थोड़ा तो करूं। आप भी सोचते होंगे कि कभी क्या करने बैठ जाती है कभी क्या, मगर मेरा क्या बोर हो जाती है तो मैं कभी ये चीज़ करती हूँ कभी वो चीज़ करती हूँ उस अकॉर्डिंग, ये देखो। और जस्ट इसके बाद मैं श्रीनाथ जी का काम करूँगी और फिर मैं क्ले का कुछ, आजकल इंटरेस्ट आया मुझे क्ले का कुछ कुछ बनाने का, तो मैं क्ले से कुछ बनाने की सोच रही हूँ, वो बनाऊँगी और उसके बाद शाम का काम करेंगे। बस इसको बनाने के बाद मैं श्रीनाथ जी के ऊपर आ जाऊँगी, बस इसको मैं यहाँ तक आपको दिखा रही हूँ। तो देखो ये इतना 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 बन गया है, अब इसे यहाँ बंद करती हूँ और दूसरे काम में लगते हैं फिर। तो अभी आई है यू की फ्रेंड उससे मिलने के लिए, इसका नाम है आयति, आयति इसका हालचाल पूछने आई है और हम अपने कर रहे हैं श्रीनाथ जी का काम, ब्लैक कलर का बैकग्राउंड जो ब्लैक कलर फ्लावर्स के आसपास करना है वो। तो अभी इतना करने के बाद हम बनाएंगे शाम का खाना और उसके बाद मेरी 8:30 से एक और क्लास है, वो थोड़े बड़े बच्चों की है, उसे स्टार्ट करेंगे। और अब ये देखो, तो जैसा कि आपको पता है कि अब दीपावली आने वाली है, तो मैंने सोचा कुछ कुछ डेकोरेटिव पीस बनाए जाएँ, तो मैं अभी कंटिन्यू करूँगी इन्हीं के साथ में, रोज़ क्ले का कुछ ना कुछ बनाने का ट्राई करूँगी।
तो ये दो मेरे पास खाली बॉक्सेस पड़े थे, ये छोटे छोटे से हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो इसे थोड़ा सा मैं हैवी करने के लिए, हल्का सा बिल्कुल, तो इसके लिए मैं कागज के वेस्ट टुकड़े थे वो इसमें अंदर फिल कर देती हूँ अच्छे से। अब इसको रखने दो साइड में, और ये पॉलिथीन है, ये पॉलिथीन को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसका इतना सा पार्ट चाहिए मुझे, तो इसके मैं से दो पीसेस कर लूँगी, और वो बाद में पता चलेगा कि क्यों कट गया, और हाथ तो काला आ रहा है इसमें, अजीब सा हाथ आ रहा है इस लाइफ में। तो ये हो गया हमारा, इसके बाद हम ले लेंगे ये वॉल पुट्टी बिड़ने वाली, इससे हम बनाएंगे डो। तो उसके लिए ले लिया मैंने एक बाउल, और इसको कट कर देखें, और इसमें ये डाल देंगे, और इसमें कितना पानी डालेंगे मैं आपको बताती हूँ, और हमें क्या थोड़ा ज़्यादा डो बनाना है तो मैं इसको ज़्यादा बना लेती हूँ, इतना काफ़ी है। हाँ तो देखो उसमें पानी बिल्कुल कम डालना है, ये मैंने डाला इतना सा पानी, और इसको जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि मतलब पानी की क्वांटिटी कितनी रखनी है, 3/4 अगर आपने ये लिया है पाउडर तो 1/4 लेंगे इसमें पानी, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके। तो ये मेरी पुरानी टी शर्ट है मेहंदी की हो गई, ये देखो सारी की सारी इस तरीके से, तो इसे मैं अब इस काम में लूँगी, इसको मैंने यहाँ टेबल पे रख दिया, नहीं तो क्या बहुत ज़्यादा हो जाता है बिखेरा, इसके ऊपर रख दिया ये, और इसका हम करेंगे डो तैयार अच्छे से। ये देखो इस तरीके से मिक्स कर लिया, और इसको चम्मच को हमने साफ़ करने के बाद इसका एक ऐसे, अभी आपको लग रहा होगा ये बिल्कुल मतलब इससे कैसे डो बनेगा, इससे बहुत आसानी से डो बन जाएगा, इसमें हमको बिल्कुल भी पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे ऐसे करके इसका हम करेंगे डो तैयार इस तरीके से। जैसे जैसे इसको मिक्स करेंगे वैसे वैसे इसको भी ले लेती हूँ मैं एक बार, वैसे वैसे इसका ये सॉफ्ट होता जाएगा ये इस तरीके से, इसमें बिल्कुल भी और भी पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं हम डो बना के एक बार आपको बता देती हूँ, तो इस तरीके से देखो हमारा डो बन के हो चुका है तैयार, और ये काम मैं क्या सुबह कर रही हूँ, रात को हो नहीं पाया, लेट हो गए, इसीलिए सोचा था रात को करेंगे मगर हो नहीं पाए। तो डो कैसे तैयार किया वो मैंने आपको आगे बता दिया है, और ये इसको मैं गीले कपड़े में ऐसे लपेट के रखूँगी, और ये चलता है कम से कम 2 घंटे, आराम से चलेगा, फटाफट से अपना काम कर लेते हैं, और ये काम मैं सुबह सुबह बैठ के कर रही हूँ, नहीं तो यार मुझे जल्दीबाजी हो रही है कि शाम तक ये हमारा हो जाए तैयार। अब इसी के ऊपर करेंगे, इसको रख के यहाँ, और तो अभी बची है सुबह की, कितनी बज रही है, 9:15 हो गई है, फटाफट से काम करती हूँ क्योंकि दूसरा काम फिर रह जाएगा यार मेरा। अब स्टोव को हम खोल लेते हैं, और इसे सिर्फ पानी में ही बनाना है और किसी में नहीं, पानी का ग्लास फेविकॉल वगैरह कुछ ना मिला है इसके अंदर। अब इसको हम इस तरीके से पूरा गीला कर लेंगे, ये सिर्फ गीला करा है मैंने और कुछ नहीं किया है, सिर्फ कर रही हूँ मैं इसे गीला, और एक टोका ये निकालेंगे, उसे ढक के रख देती हूँ, और इसकी कैसे लेयर बनाएंगे, ऐसे इसको करने की कोशिश करूँगी मैं, इसे लंबा और इस पर लगा दूँगी इस तरीके से, इजीली क्या चिपक जाएगा, कहीं भी निकलेगा नहीं, इस तरीके से बनेगा, और इसे पानी से हम फ्लैट करते जाएंगे ऐसे, दिख रहा है इसको ऐसे इस तरीके से पानी से बिल्कुल, और इसके एज पे ऐसे, अगेन दूसरा भी लेंगे, दूसरे को भी हम थोड़ा सा से बड़ा कर लेंगे इस तरीके से, हल्का सा पानी लगाया, और फिर इसके ऊपर ऐसे चढ़ा देंगे यहाँ थोड़ा सा साइड में, तो ऐसा करके हम पूरी ही बॉटल को कर लेंगे कवर,
इस तरीके से। तो ऐसे छोटे छोटे से पीसेस बना के पूरी बॉटल को हमको कवर कर लेना है। जैसे यहाँ बच गया, फिर यहाँ हमने थोड़ा सा लिया और फिर यहाँ इसको रख दिया, और पानी से इसका सरफेस एकदम प्लेन कर लेंगे। ऐसे पूरी बॉटल पे हमको ऐसे लगाना है और फिर सरफेस को एकदम प्लेन कर देंगे। यहाँ भी करेंगे ये काम, हमको दिखाया। तो देखो उसके हेड पे भी मैं ऐसे कर रही हूँ, ये इधर से दिखाना बेटा, ऐसे फ्लैट करूँगी। ये ऐसे दिखा बिट्टू, ये ही ना मेरा चेहरा दिखा रही है, क्योंकि बोलो ये चीज़ दिखा, इसको ऐसे करना है हमें फ्लैट इस तरीके से, ये ऐसे। तो देखो ये बनके हो चुके हैं रेडी। अब हमें इनके हेड पे मैं दीपक रखूँगी, दीपक बनाने हैं। और हाँ बस अभी दीपक बनाने हैं, और मेरे पास डो अभी काफ़ी बचा हुआ है, तो इस डो को हम यूज़ में लेंगे। और ये डो जैसा कि मैंने बताया 2 घंटे तक बिल्कुल भी नहीं सूखता है। तो अब ये प्लास्टिक की जो पॉलीथिन है, इसे हम कहाँ यूज़ में लेंगे वो मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले हम छोटे छोटे 2 रोज़ बना लेंगे, मगर अभी क्या मुझे दीपक बनाने हैं। तो दीपक के लिए मैं मुझे लानी पड़ेगी 2 छोटी छोटी सी कटोरियाँ, क्योंकि कटोरी का साइज़ ऐसा होना चाहिए जो इनके हेड पे अच्छे से आए, मतलब ना ज़्यादा बड़ी हो और ना ज़्यादा ही छोटी हो। तो अभी हम इनके सर्कल्स बना के मोटी सी एक चपाती बना के रेड कर तैयार कर लेंगे पूरा, ऐसा ऐसा बना के इस तरीके से, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। थोड़ा सा मोटा लिया है इसका, थिक थिक हमको मतलब एक मोटा सा थिक सा दीपक जैसा बनाना है। तो अब हमें कटोरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले एक कटोरी लेके आते हैं। और कटोरी लाके इसे हमने क्या किया, जस्ट इसे उल्टा रख दिया इन दोनों दीपकों को, जैसा आपको दिख रहा है ना। और ये स्टील से ही चिपकेगा भी नहीं। इसके बाद मेरे पास ये थोड़ा सा क्ले बच गया, तो मैंने सोचा कि अब इस क्ले से क्या बनाया जाए, क्योंकि दीपक तैयार है। और दीपक जब मैंने बनाए थे ना, तो उल्टा करके इनके ऊपर थोड़ा सा POP का पाउडर, वॉल पुट्टी का पाउडर डाल दिया था, जिससे ये उससे चिपके ना। वैसे चिपकेंगे नहीं, फिर भी एक सेफ पॉइंट रखते हुए हमने इन पर वॉल पुट्टी का पाउडर भी लगा देते हैं। जैसे आपको दिख रहा है इस पॉलीथिन के ऊपर भी मैंने यही किया है। अब मैं ये बची हुई क्ले से, एक तो इससे हम बनाएंगे वॉल हैंगिंग, छोटी सी वॉल हैंगिंग बनाएंगे, एक तो स्क्वायर शेप की और एक सर्कल शेप की। सर्कल शेप की जैसा कि आपको दिख रहा है, ये तो मैंने बना दिया है। अब इस पर हम 2 होल करेंगे, और इस तरीके से एक सर्कल और एक रेक्टेंगल शेप का ऐसा कुछ बना दिया है। इसमें 000 नंबर के पीछे वाले पॉइंट से, ब्रश के पीछे वाले पॉइंट से हमने इनमें कर दिए हैं 2 होल्स। अच्छे से 2 होल्स कर देंगे कि वो दिखे कि आर और पार हो रहा है, मतलब होल का दूसरा हिस्सा भी दिखे, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा सा लटकन वगैरह लगानी है इसे डेकोरेट करने के लिए। सेम ऐसा ही यहाँ भी कर लेंगे। पहले मैं यहाँ बनाना चाह रही थी, फिर मुझे लगा नहीं इसको स्टैंडिंग मोड में लगाना चाहिए, इसलिए मैं एक छेद यहाँ करूँगी और एक छेद जस्ट इसके नीचे करूँगी। तो इस तरीके से हमने इन्हें सभी सुखाने के लिए रख दिया है। साइड में आप 2 रिंग भी देख रहे होंगे, 2 रिंग भी मैंने बना ली। इसे किस यूज़ में लूँगी वो बताएंगे बाद में।